बिमला से सभी हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती है। वो बहुत ही घमंडी और खुदगर्ज है, हमेशा दूसरों से झगड़ा करती है। बिमला से सभी परेशान हैं। गांव वाले मन ही मन बिमला की मृत्यु चाहते हैं। ये बुढ़िया पता नहीं कब तक रहेगी, हमेशा बस परेशान करती रहती है। बिमला के घर के पास रमेश नाम के एक आदमी का घर है। रमेश के आंगन में एक अमरूद का पेड़ है। एक दिन दोपहर को बिमला चुपके से उस पेड़ के नीचे जाती है और एक अमरूद तोड़ लेती है, और उसी वक्त रमेश ये देख लेता है। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है और कहता है, ये क्या, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चोरी? मैं भला चोरी क्यों करूंगी, ये अमरूद का पेड़ मेरा है, मेरा। अरे वाह, पेड़ मेरे आंगन में है मगर इसकी मालकिन तुम हो? और नहीं तो क्या, तूने जब जन्म भी नहीं लिया था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। तो क्या हुआ, मैंने तो ये जमीन खरीद ली है ना, उस हिसाब से तो ये पेड़ मेरा हुआ। उन दोनों की लड़ाई चलती रही। आखिर मामला बिगड़ता गया और गांव के मुखिया मदनलाल चले आए। मदनलाल ने ये फैसला किया कि पेड़ रमेश का ही है। इस बात से गुस्सा होकर बिमला ने मदनलाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। मदनलाल भी परेशान हो गया। उधर अपने कमरे में बैठकर बिमला सोचती रही कि इसके बाद किसको परेशान किया जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लोग परेशान होते रहे। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त जरा देखो आज रात किसकी बारी है। चित्रगुप्त अपनी लिस्ट चेक करके कहते हैं, आज रामनगर की बिमला की बारी है प्रभु। वो स्वर्ग जाएगी या नरक, स्वर्ग का कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। ये औरत बहुत घमंडी है, गांव वाले कब से इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज रात को मैं इसे लेकर आऊंगा। रात हो जाती है और बिमला उसके बिस्तर पर आराम से सो जाती है। इतने में यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और बिमला को बुलाने लगते हैं। बिमला उठ, बिमला जाने का वक्त आ गया है। आवाज सुनकर बिमला उठ जाती है और कहती है, कौन है आप? मैं यमराज हूँ, इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया है, आज तुझे यमलोक में जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिमला चौंक जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तू जीकर भी क्या करेगी, सारे गांव वाले तुझसे परेशान हैं। तूने कभी किसी का भला नहीं किया है, तेरा स्थान नरक में है, चल बिमला। बिमला रोती रहती है मगर बिमला बहुत शातिर है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बहुत रोने धोने के बाद वो कहती है, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मेरे खटिये के नीचे बहुत सारे गहने हैं, मुझे बस ये वरदान दीजिए कि मेरे जाने के बाद इस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को कोई निकाल ना पाए। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी, अब चल। मगर तभी बिमला ने यमराज को चौंका दिया और खटिये के नीचे घुस गई। यमराज ने कहा, अरे ये क्या कर रही है, जल्दी चल, देर हो रही है। ये सुनकर बिमला ने हंसते हुए कहा, अगर लेकर ही जाना है तो मुझे इस खटिये के नीचे से निकालिए। यमराज बिमला को खटिये के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ खटिये के नीचे पहुंचता ही नहीं है। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हाथ फंस जाता है। आपने खुद मुझे ये वरदान दिया है यमराज, इस खटिये के नीचे से कोई भी किसी भी चीज को नहीं निकाल पाएगा। यमराज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है आज तो तू बच गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। बिमला मान जाती है, यमराज अदृश्य हो जाते हैं। बिमला अपने ही मन में हंसती रहती है और ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसने यमराज को चकमा दे दिया है। मैंने यमराज को चकमा दे दिया है, इसका मतलब मैं मरूंगी ही नहीं, मैं अमर हो गई हूँ, अमर। अगले दिन से वो गांव वालों को और परेशान करती रहती है और ये बताती फिरती है कि वो अमर हो गई है, अब उसे स्वयं यमराज भी यमलोक नहीं ले जा सकते। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता भैया, ये खूसट बुढ़िया अमर कैसे हो सकती है, ये जिंदा रही तो हम गांव वालों को परेशान करके छोड़ेगी, इसके चक्कर में तो हम ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पूरा गांव चिंता में पड़ गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। बिमला पूरी तैयारी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। यमराज प्रकट हुए। एक हफ्ता हो गया है, अब चल मेरे साथ। यमराज का कहना खत्म होते ही तुरंत बिमला खटिये के नीचे घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी।
आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यमराज जी, मैं अमर हो गई हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं इस खटिये के नीचे घुस जाऊंगी। यमराज परेशान होकर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बिमला ने सोचा कि उसने यमराज को हरा दिया है। ये सोचकर वो और भी घमंडी बन गई, लोगों के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। उधर यमलोक में यमराज चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, क्या हुआ यमराज, आप चिंतित लग रहे हैं? यमराज ने चित्रगुप्त को सब कुछ खुलकर बताया। चित्रगुप्त ने कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है, मुझे पता है, अब कोई उपाय बताओ। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप देवाधिदेव महादेव के पास जा सकते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। यमराज तुरंत भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें सब कुछ खुलकर बताया। सब कुछ सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, उस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर वो खुद बाहर आए तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है यमराज, आज रात को आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रात हो गई। उधर बिमला निश्चिंत होकर सो गई। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है, मगर तभी यमराज प्रकट हो गए। यमराज को देखकर बिमला फिर से खटिये के नीचे चली गई। क्या हुआ यमराज, आप फिर से चले आए? आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं तो अमर। बिमला की बात खत्म ही नहीं हुई कि तभी धरती कांप उठी, भूकंप आ गया। बिमला का पूरा मकान एक तरफ हिल गया और बिमला खिसकते हुए खटिये के नीचे से निकलकर बाहर चली आई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिमला को पकड़ लिया और यमलोक लेकर चले गए। शिवजी ने भूकंप को रोक दिया। बिमला रोने लगी, नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम यमलोक में आ गई हो बिमला, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम नरक में जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? हमेशा याद रखना विमला, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु तो एक नियम है, मनुष्य उसे टाल नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इसके बाद विमला को नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता। कहानी है प्रेरणा और रिंकू की, जो अपनी माँ केतकी और पिता महेश के साथ खुशी खुशी रहते थे। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरा परिवार तितर बितर हो गया। पूरा गांव नदी में आई बाढ़ में बह गया, जिसमें महेश और केतकी भी खो गए। प्रेरणा और रिंकू दोनों बाढ़ के पानी में बहते रहे। तभी, आओ बच्चों, मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ देती हूँ, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? प्रेरणा और रिंकू नाव में बैठ जाते हैं और उस औरत को सारी बात बताते हैं। वो औरत उन्हें खाने का सामान देती है। तभी वो औरत मन में सोचती है, क्यों ना मैं इन बच्चों को अपनी बेटी सुजाता के घर छोड़ दूं? वो अकेली घर के काम में लगी रहती है, उसे घर का काम करने के लिए दो नौकर मिल जाएंगे। प्रेरणा और रिंकू को वो औरत दूसरे गाँव ले आती है। बच्चों देखो, हम गांव पहुंच गए, तुम दोनों बिल्कुल अकेले हो, मैं तुम्हें इधर उधर नहीं भटकने देना चाहती, यहां गांव में मेरी बेटी सुजाता रहती है, आज से तुम दोनों उसी के घर में रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नानी माँ। रिंकू, हम इन नानी माँ के साथ चलते हैं। वो औरत जिसका नाम कौशल्या था, चालाकी से प्रेरणा और रिंकू को अपनी बेटी सुजाता के घर ले जाती है। माँ, ये दोनों बच्चे कौन है? कौशल्या सुजाता को कमरे में ले जाती है। अरे ये दोनों बच्चे अनाथ हैं, मैं तेरी देखभाल के लिए लाई हूँ, अब तू इनसे ही सारे काम करवाना और एक वक्त की रोटी दे देना, पड़े रहेंगे किसी कोने में। माँ, तुम देखने में तो बड़ी भोली भाली हो, पर हो मेरी ही माँ। अच्छा फसाया इन चूजों को। कौशल्या बच्चों को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। सुजाता प्रेरणा और रिंकू से ही घर का काम करवाती थी, बेचारे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन सुजाता का पति किशन बोला, सुजाता पहले तो तुम्हारी माँ इन मासूम अनाथ बच्चों को बहाने से अपने साथ यहाँ लाई और तुम इनसे सारा घर का काम करवाती हो, थोड़ा तो भगवान से डरो। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत पड़ो। पता नहीं ये दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं, बाजार गए तो इन दोनों को बहुत देर हो गई। सुजाता प्रेरणा और रिंकू को बाजार से सामान लेने भेजती है। वो दोनों सामान ले ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों को एक सजा हुआ पंडाल दिखाई देता है। प्रेरणा और रिंकू उस पंडाल के अंदर चले जाते हैं। ये लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद। अंकल, आज कोई त्योहार है क्या? यहाँ पंडाल क्यों सजा हुआ है? बच्चों, आज से माँ दुर्गा का नवरात्रि उत्सव आरंभ है, जो 9 दिन तक चलेगा। अंकल, हमें ये प्रसाद रोजाना मिलेगा? हाँ बेटा, ये पंडाल 9 दिन तक सजा रहेगा
और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा और आरती की जाएगी। दीदी तुम्हें याद है माँ और बाबूजी भी नवरात्रि व्रत रखते थे और नवमी पूजन में हम पूरी हलवा चने का प्रसाद खाते थे। हाँ रिंकू, और माँ कहती थी कि जिनकी माँ नहीं होती उनकी दुर्गा माता माँ होती है। हम रोजाना इस पंडाल में इनकी पूजा करने आएंगे। प्रेरणा और रिंकू खुशी खुशी घर जाते हैं, पर घर पहुँचते ही सुजाता का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। कहाँ थे अब तक तुम दोनों? मेरी माँ तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं छोड़ गई कि तुम दोनों भाई बहन मुफ्त की रोटियाँ तोड़ो। अगर एक काम में घंटों लगा दोगे तो पूरा दिन घर का काम कौन करेगा? अब तुम दोनों को पूरे दिन खाने में सिर्फ एक रोटी मिलेगी। चलो जाओ काम करो। दीदी सुजाता आंटी बहुत गंदी हैं। उन्होंने बोला था वो हमें माँ की तरह प्यार करेंगी, पर वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं रिंकू, हम रोजाना माँ दुर्गा के पास जाएंगे और उनकी पूजा करेंगे, वो हमें माँ का प्यार जरूर देंगी। प्रेरणा और रिंकू रोजाना चुपचाप पंडाल में माँ दुर्गा की पूजा करने जाने लगे। सुजाता उन दोनों को भूखा रखती थी, मगर पंडाल में मिले भंडारे को खाकर प्रेरणा और रिंकू अपनी भूख मिटा लेते थे। एक दिन, ये तुम दोनों रोजाना कहाँ जाने लगे हो? आंटी वो हम माँ दुर्गा के पंडाल में नवरात्रि पूजन के लिए जाते हैं। क्या नवरात्रि पूजन? अच्छा, तभी मैं कहूँ घर की साफ सफाई इतने गंदे तरीके से क्यों हो रही है, और आजकल जल्दी जल्दी काम कैसे खत्म हो जाता है। बहुत हो गई नवरात्रि पूजा, तुम अनाथ बच्चों की नवरात्रि पूजा तो मैं करवाती हूँ। आज से कहीं भी आना जाना बंद, अब से दो दिन तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा और चुपचाप सारा काम करोगे। किशन भी दूसरे गांव गया हुआ था, वरना सुजाता ऐसी हरकत ना करती। बेचारी प्रेरणा और रिंकू भूखे प्यासे रोते हुए घर का काम करते रहते हैं। दीदी तुम तो कहती थी कि दुर्गा माँ चमत्कार करती हैं, वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही हैं दीदी? रिंकू नवरात्रि उत्सव है, इसलिए माँ दुर्गा के दरबार में बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी होगी। हो सकता है उन भक्तों की इच्छा को पूरा करके वो हमारी मदद करे। नादान मासूम बच्चे दुर्गा माँ को याद करते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। रिंकू सुजाता के पास रसोई में जाता है। आंटी बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं? कोई पानी रोटी कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। रिंकू वहाँ से चला जाता है। तभी आहा, गर्मा गर्म हलवा और पूरी खाने का अलग ही मजा है। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ वरना इन भूखे भाई बहनों की नजर लग जाएगी। आई माँ बचाओ, मैं मर गई। सुजाता के हाथों पर गर्म तेल की कढ़ाई गिर जाती है, वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। प्रेरणा और रिंकू भागे भागे आते हैं। सुजाता आंटी क्या हुआ? अरे ये गर्म तेल आपके हाथों पर कैसे गिर गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे हाथों में वो बहुत जलन हो रही है। आंटी मैं पड़ोस वाले डॉक्टर अंकल को बुलाकर लाती हूँ। प्रेरणा डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर मरहम पट्टी कर देता है और दवाइयाँ दे जाता है। प्रेरणा और रिंकू सुजाता की बहुत देखभाल करते हैं। सुजाता ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दो दिन बाद नवमी का पूजन था। किशन भी वापस आ जाता है। सुजाता बच्चों से बोली, प्रेरणा रिंकू बच्चों तुम मुझे बता रहे थे कि आज नवरात्रि की समाप्ति का दिन है। नवरात्रि उत्सव के लिए जो पंडाल सजा हुआ है, क्या हम सब मिलकर दर्शन करने के लिए चले? हाँ सुजाता आंटी, आप मंदिर जाओगे तो देखना, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके हाथ भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब मिलकर पंडाल में जाते हैं। पंडाल में डांडिया नृत्य का भी आयोजन होता है। तभी किसी पर रिंकू की नजर पड़ती है। दीदी वो देखो, सामने माँ बापू खड़े हैं। कहाँ रिंकू? हाँ ये तो माँ बापू हैं। सुजाता आंटी, महेश अंकल, वो देखो हमारे माँ बापू। प्रेरणा और रिंकू दौड़ते हुए अपने माँ बापू से लिपट जाते हैं। केतकी और किशन भी दोनों बच्चों को देख रो पड़ते हैं। मेरे बच्चों, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। बच्चों तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम इस पंडाल में आ गए और माँ दुर्गा के सामने विनती करने लगे। हे माँ शेरावाली, आपने हमारे बच्चों से हमें मिला दिया, आपकी जय हो। प्रेरणा और रिंकू अपने माता पिता से सुजाता और महेश को मिलवाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रेरणा और रिंकू को अपने माता पिता वापस मिल गए थे। नवरात्रि उत्सव में माता पिता के वापस मिल जाने से प्रेरणा और रिंकू की खुशियां वापस लौट आई थी। कुछ समय बाद सुजाता भी एक बच्चे को जन्म देती है। शायद प्रेरणा और रिंकू के साथ उसके अच्छे व्यवहार के कारण माँ दुर्गा ने उसकी झोली भी खुशियों से भर दी थी। नीले आसमान में एक आकृति दिखाई दे रही थी जो अपने भैंसे पर सवार होकर जा रही थी। वो आकृति थी मृत्यु के देवता यमराज की।
बड़ी बड़ी मूंछों वाले यमराज अपने भैंसे पर बैठे हुए बहुत ही भयानक लग रहे थे। वो तीव्र गति से यमलोक की ओर बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये किस बच्ची की आवाज़ है जो हमें इस आसमान में सुनाई दे रही है? ये तो असंभव है। उन्होंने अपने भैंसे को अपनी गति कम करने का आदेश दिया। आप तनिक अपनी गति कम करिए, हमें यहाँ किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यमराज का भैंसा आसमान में ही रुक गया। यमराज को अब भी उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर कहाँ से आ रही है ये आवाज़? कौन कौन है? तभी यमराज की नज़र छोटी सी ललिया पर गई, जो बैसाखी के सहारे सहमी सी खड़ी थी और वो लगातार रोए जा रही थी। यमराज उसकी ओर आश्चर्य की नज़र से देख रहे थे और ललिया उन्हें घूर कर देख रही थी। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो ललिया हूँ, आप कौन हैं? हम यमराज हैं। यमराज? अच्छा तो आप हैं यमराज, आप मेरी माँ को वापस करिए। तुम्हारी माँ? कौन है तुम्हारी माँ? हमारे पास तो तुम्हारी माँ नहीं है। आप झूठ मत बोलिए, सभी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ को यमलोक लेकर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर यमराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जोरों की बारिश हो रही थी। शकुंतला बहुत देर से बारिश के बंद होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी छोटी बेटी ललिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। अच्छा तो ये है इसकी माँ। शकुंतला की दिव्यांग बेटी ललिया को कल रात से तेज बुखार था। शकुंतला ने उसे रात को दवा दी थी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। अब घर में बुखार की कोई और दवा थी नहीं, इसलिए वो बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी ताकि वो बाहर से दवा ले आए। ललिया को अभी भी तेज बुखार था। माँ, ये बुखार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तुम इसे भगा दो ना। हाँ बेटा, अभी एक दवा और दूंगी, फिर तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। शकुंतला ने ललिया से कहा कि ललिया, बारिश बंद हो गई है, मैं तुम्हारी दवा लेकर तुरंत आती हूँ, तुम परेशान मत होना। जल्दी आ जाना माँ। पति की मौत के बाद शकुंतला बिल्कुल निराश हो गई थी, लेकिन छोटी सी ललिया की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। वो ललिया से बहुत प्यार करती थी और ललिया भी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। यूं कहे कि एक दूसरे में ही दोनों के प्राण बसते थे। बहरहाल शकुंतला दवा की दुकान पर पहुंची। भैया, मेरी बेटी को कल रात से तेज बुखार है, रात को दवा दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसी दवा दीजिए ना जिससे उसका बुखार तुरंत उतर जाए। डॉक्टर की कोई पर्ची है क्या तुम्हारे पास? पर्ची तो नहीं है भैया। अरे बिना पर्ची के कौन सी दवा दूं? पिछली बार उसे बुखार हुआ था तो आपने ही दवा दी थी, आज भी वैसी कोई दवा दे दो ना। दुकानदार ने शकुंतला को दवा दे दी, वो दवा लेकर घर वापस लौट रही थी। हे भगवान, इस दवा का असर सही से हो जाए और ललिया बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो अपने ख्यालों में खोई सड़क पर चली जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। शकुंतला सड़क पर गिर गई, उसके सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं छटपटाने लगी। एक्सीडेंट देख आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। ये ट्रक वाले भी ना पीकर चलाते हैं, सब पीकर। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, पीकर भी चलाते हैं और बहुत स्पीड में भी चलाते हैं। हाँ। दूसरी ओर शकुंतला को घर लौटने में बहुत देर हो रही थी, इसलिए उसकी बीमार बेटी ललिया को उसकी चिंता होने लगी। ये माँ कहाँ चली गई? कितनी देर हो गई है, मुझे तो बोला था थोड़ी देर में आ जाएंगी। ललिया ने थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन शकुंतला नहीं लौटी। अब तो उसका भी मन बहुत घबराने लगा। उसने अपनी बैसाखी उठाई और बुखार की हालत में ही बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखी। वहाँ खून से लथपथ अपनी माँ को देखा और उसके मुँह से चीख निकल गई। माँ माँ, ये क्या हो गया, ये तुझे क्या हो गया? ललिया की रोने की आवाज से शकुंतला के शरीर में कुछ हलचल तो हुई, लेकिन फिर उसका शरीर पूरी तरह शांत पड़ गया। ललिया ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खामोश रही। किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो ये तो मर चुकी है। कुछ देर बाद ललिया की पड़ोसन विमला और ललिया के मामा रघुवीर अस्पताल पहुंचे। अपने मामा को देखकर ललिया फूट-फूट कर रोने लगी। मामा देखिए ना, माँ तो जागती ही नहीं, इन्हें जगा दीजिए, इन्हें बोलिए ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ललिया, तेरी माँ अब नहीं जगेगी, वो बहुत दूर चली गई है। दूर नहीं मामा, माँ मुझे बताए कहीं नहीं जाती। ललिया, तेरी माँ यमराज के पास चली गई है, वो उसे ले गए हैं। ललिया बहुत छोटी थी, मृत्यु और यमराज का मतलब नहीं समझती थी। उसे तो बस एक बात समझ आती थी कि उसकी माँ जाग नहीं रही है और उसे जगाना है।
वो रोते हुए ही उसे लगातार जगाती रही, लेकिन काश की कोई मौत के बाद जाग सकता। शकुंतला की पड़ोसन विमला को ललिया पर बहुत दया आ रही थी। उसने उससे कहा, ललिया जो मर जाते हैं ना, यमराज उसे लेने आते हैं और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तुम्हारी माँ अब यमराज के पास चली गई है। ऐसे कैसे चली गई है मुझसे पूछे बिना? मैं तो उन्हें जाने नहीं दूंगी, अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रखूंगी, जोर से पकड़ कर रखूंगी। ललिया ने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया और रोते रोते बेहोश हो गई। यमराज आए तो जरूर शकुंतला की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन ललिया का अपनी माँ के प्रति प्रेम और ताकत के कारण वो भी यमराज के पीछे पीछे आ गई। ललिया तुम सही कह रही थी, तुम्हारी माँ मेरे पास ही है। देखा, मैंने कहा था ना वो आपके पास है, चलिए अब उन्हें वापस करिए। हम उसे वापस नहीं कर सकते ललिया। क्यों? यही सृष्टि का नियम है। बहुत ही गलत नियम है, माँ तो कहती थी कि हमें किसी से पूछे बिना उसकी छोटी से छोटी चीज भी नहीं लेनी चाहिए। आप मुझसे पूछे बिना मेरी माँ को अपने साथ ले जा रहे हैं, ये गलत बात है, चलिए लौटाइए मेरी माँ को। हमने कहा ना, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मुझे भी ले चलिए अपने साथ। हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं वो सब नहीं जानती, मैं अपनी माँ को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। यमराज बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि का ये विधान कैसे तोड़ दे, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ आ गई कि इस लड़की के इस तरह से उनके पीछे पीछे आने के पीछे भगवान की माया है। फिर भी उन्होंने ललिया से कहा कि ललिया, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के बदले में और कुछ दे देते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुम कुछ भी मांग सकती हो, बहुत सारे खिलौने या बहुत सारे पैसे। मुझे तो मेरी माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए, वो मुझे दीजिए या मुझे अपने साथ ले चलिए। आखिरकार ललिया की जिद के आगे वो झुक गए और उसकी माँ के प्राण वापस कर दिए। उनके ऐसा करते ही अस्पताल में मृत पड़ी शकुंतला के शरीर में हलचल हुई और उसने अपनी आँखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? माँ की आवाज सुनकर ललिया को भी होश आ गया। वही पास खड़े उसके मामा और विमला को तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे तुम जिंदा हो शकुंतला, पर डॉक्टर तो? ये कहते कहते वो चुप हो गई। ऐसा लग रहा है कि मैं गहरी नींद में थी, पता नहीं इतनी गहरी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। ललिया तू ठीक तो है ना बेटी? शकुंतला के इस तरह जागने की खबर पूरे अस्पताल में फैल गई थी। डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मरने के बाद कैसे जीवित हो सकता है। उधर ललिया अपनी माँ के सीने से लिपटी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दूर यमराज की आंखों में भी ललिया और शकुंतला को देख कर आंसू आ गए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।